नमस्कार, कैसे हैं आप सब। सो आज हम बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स मुंबई के बारे में। एंड आई होप आप सभी को पता होगा यार सेंट जेवियर मुंबई के बारे में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। और आज जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वो इतना रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन क्यों है। अब देखिए, जब भी मैं किसी कॉलेज का रिव्यू करता हूँ तो मैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर बात करता हूँ, और उससे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं सेंट जेवियर के प्लेसमेंट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कौन से कोर्सेज वो ऑफर करता है उसके बारे में, नोटेबल एलुमनाई कौन कौन है, कौन सा उनका फेस्ट होता है, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, जिससे आपको एक प्रॉपर रिव्यू मिलेगा सेंट जेवियर्स मुंबई का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको हिस्ट्री के अंदर ले जाना चाहता हूँ कि सेंट जेवियर की शुरुआत कैसे हुई। तो 16th century के अंदर एक स्पेनिश सेंट थे जिनका नाम था फ्रांसिस जेवियर। सो उन्हीं के नाम से कॉलेज बनाया गया, जिसका नाम पड़ा सेंट जेवियर्स कॉलेज, यानी कि सेंट जेवियर का कॉलेज। और जब ये बनाया गया था तो ईयर था 1869, यानी कि गांधी जी का बर्थ भी 1869 में ही हुआ था। तो जो फ्रांसिस जेवियर थे उनके करीब 400 साल के बाद इस कॉलेज को बनाया गया 1869 के अंदर। और जब 1869 के अंदर इस कॉलेज को बनाया गया तब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स का डिपार्टमेंट था। उसके बाद जब 1920 आया तो 1920 के अंदर इसमें आर्ट्स के अलावा साइंस का डिपार्टमेंट भी एस्टेब्लिश किया गया। और जब 1930 आया तो 1930 तक इसके अंदर एक ओवरऑल एक्सपेंशन हुई, जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आ गए। और आज की तारीख में अगर मैं बात करूं कि सेंट जेवियर मुंबई के अंदर कितने डिपार्टमेंट है, क्या क्या पढ़ाई होती है, तो आज की डेट में यहाँ पर आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, बिजनेस है, और पब्लिक पॉलिसी है, मैनेजमेंट है। तो इस तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है सेंट जेवियर मुंबई के अंदर। और देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट है ये बनाया गया था 1869 के अंदर, जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पर राज था। और इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सेंट जेवियर्स का, उसको बोलते हैं इंडो गोथिक स्टाइल। जो इस तरह की बिल्डिंग्स होती है उनको बोलते हैं इंडो गोथिक स्टाइल। और जो ब्रिटिशर्स हैं, जब भी वो कहीं पर जाते थे, रूल करते थे, जो अपनी कॉलोनीज बनाते थे, उनके अंदर जब वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाते थे या फिर स्कूल्स बनाते थे, तो ज़्यादातर वो लोग बनाते थे इंडो गोथिक स्टाइल के अंदर। अगर मैं बात करूं कि इंडिया के अंदर और कौन कौन से इंडो गोथिक स्टाइल के स्ट्रक्चर्स हैं, तो देखिए, जो ताजमहल होटल का नाम आपने सुना होगा वो भी एक इंडो गोथिक स्टाइल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मैसूर प्लेस की, तो वो भी एक इंडो गोथिक स्टाइल है, जो कि आपको स्क्रीन पर फिलहाल दिख रहे हैं जितने भी फोटोज़ हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ विक्टोरिया पब्लिक हॉल चेन्नई में जो है, वो भी एक इंडो गोथिक स्टाइल है। इसके अलावा जो खालसा कॉलेज अमृतसर के अंदर है, वो भी एक इंडो गोथिक स्टाइल है। तो जो सेंट जेवियर मुंबई है, वो भी ब्रिटिशर्स ने इंडो गोथिक स्टाइल से ही बनाया, जो कि आज तक खड़ा है, लगभग 150 साल उसे हो चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ टेक्निकलिटीज़ पर। तो ये तो इंट्रो था, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सेंट जेवियर्स मुंबई हमें ऑफर करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बीए है, जिसके अंदर 360 सीट है। इसके अलावा बीकॉम है, जिसके अंदर 240 सीट्स हैं। बीएससी आईटी है, जिसके अंदर 60 सीट्स हैं। फिर पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग है, जिसके अंदर 25 सीट्स हैं। BMS है, जिसके अंदर 60 सीट्स हैं। BMM है, यानी कि बैचलर ऑफ मास मीडिया है, जिसके अंदर 60 सीट्स हैं। BSc है, जिसके अंदर 360 सीट्स हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी ये कॉलेजेस हैं जिसके अंदर क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, जैसे कि सेंट स्टीफन है, सेंट जेवियर है, या फिर खालसा कॉलेज जिसके अंदर दूसरी माइनॉरिटीज़ का रिजर्वेशन है, तो ये जितने भी कॉलेजेस हैं माइनॉरिटी रिजर्वेशन के, यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ का रिजर्वेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और मैंने सुना है कि यहाँ पर लगभग 50% सीट जो हैं वो क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व रहती हैं, और जनरल की यहाँ पर सीट्स काफ़ी कम होती है। और जब भी इन कॉलेजेस को बनाया जाता है तो इनका एम भी यही रहता है कि हमारे रिलीजन को हमें प्रिजर्व करके रखना है। सो ये सिर्फ इसी में नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखा जाता है कि इस तरह के कॉलेजेस होने चाहिए। तो यहाँ पर जनरल की सीट्स जो है वो काफ़ी कम होती हैं। अब बात करते हैं इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडो गोथिक स्टाइल का है। इसके अलावा क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हैं, तो देखिए, यहाँ पर जो लाइब्रेरी है उसके दो सेक्शंस हैं। एक है रेफरेंस लाइब्रेरी, जहाँ पर आपको फोटोकॉपी वगैरह मिलती है, और दूसरी है लैंडिंग लाइब्रेरी। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर है, जो कि 5 कंप्यूटर लैब्स हैं, जिसके अंदर 125 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक जिम खाना है, जिसके अंदर जिम है, टेबल टेनिस है, चेस है, बैडमिंटन है, कैरम है। सो इस तरह के कुछ गेम्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर मल्टीमीडिया सेंटर है। इसके अलावा यहाँ पर कॉमन रूम है। अब देखिए, ये जो कॉमन रूम है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर जो कॉमन रूम होता है वो खासकर गर्ल्स कॉमन रूम होता है।
और आई होप आपने सुना होगा टीचिंग स्टाफ रूम होता है, वो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि गर्ल्स कॉमन रूम तो है ही, साथ ही साथ बॉयज कॉमन रूम भी है, और टीचिंग कॉमन रूम के अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी कॉमन रूम है। सो ये काफ़ी अलग चीज़ लगी मुझे, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर बॉयज़ कॉमन रूम या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कॉमन रूम नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो कैंटीन है उसके सामने आपको पूरा एक लश ग्रीन व्यू देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। इसके अलावा यहाँ पर हॉस्टल है जो कि बॉयज़ के लिए है कैंपस के इनसाइड, और इसके अलावा कॉलेज के अंदर एक मर्चेंडाइज शॉप है जिसके अंदर आप कॉलेज की हुडीज़ खरीद सकते हो, जिस पर लिखा होगा सेंट जेवियर्स मुंबई, और आप जब पहनकर उसे चलेंगे तो काफ़ी हवाबाजी हो जाएगी। इसके अलावा स्टेशनरी शॉप वगैरह है कॉलेज के अंदर ही, और प्लेसमेंट सेंटर है, वेलनेस सेंटर है, सो इस तरह का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है सेंट जेवियर्स मुंबई का। इसके साथ साथ देखिए जो इसका फीस स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ी बात यही है कि इसका फीस स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बैचलर ऑफ मास मीडिया की जो फीस है फर्स्ट ईयर की 36,000 है, सेकंड ईयर की 31,000 है, थर्ड ईयर की 30,000 है। अगर मैं बात करूँ BMS यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की, तो यहाँ पर 36,000 है फर्स्ट ईयर की, 27,000 है सेकंड ईयर की, एंड 29,000 है थर्ड ईयर की। अगर मैं BSc की बात करूँ तो 47,000 फर्स्ट ईयर की, 42,000 सेकंड ईयर की, 47,000 थर्ड ईयर की। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब इतना नहीं है कि जो दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का होता है 2 लाख फीस है, 1.5 लाख फीस है, वैसी नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल और अफोर्डेबल फीस आपको देनी होती है। अब बात करते हैं हम इसके प्लेसमेंट की, तो अगर मैं सेंट जेवियर्स की प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ पर देखो जो कंपनीज आती हैं ये उन्हीं का डेटा है जो मैंने वेबसाइट से निकाला था, जैसे कि एसेंशियर है, बेन है, कारवाले.com है, सिटी बैंक है, डेलोइट है, डाउटनट है, ICICI है, जो स्टोक्स है, तो इस तरह की कुछ कंपनीज हैं जो उस कॉलेज के अंदर लास्ट ईयर आई थी, और भी बहुत सारी आई थी लेकिन कुछ ये कंपनीज है जो वहाँ पर आई थी। इसके अलावा जो इसका एवरेज पैकेज है वो है 6.7 LPA, 6 लाख पर NM से लेकर 7 लाख पर NM इसका एवरेज पैकेज है। अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं तो 19 LPA और 20 LPA भी रेयरेस्ट चला जाता है, और यहां पर इसके साथ साथ आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, यहां पर इंटर्नशिप के लिए भी बहुत सारी कंपनीज आती हैं। सो अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो यहां पर आपको इंटर्नशिप भी मिल जाती है। अब बात करते हैं एक्सपोजर की। अब देखिए एक्सपोजर का क्या मतलब है, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मुझे नहीं पता कौन क्या डेफिनेशन देता है एक्सपोजर की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोजर का मतलब होता है कि जो भी आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं क्या वो इंस्टीट्यूट आपको उस तरह का एक एनवायरनमेंट दे पाता है। अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हैं तो अगर इंस्टीट्यूट के पास सिंगिंग सोसाइटी है, अगर आप डांसर बनना चाहते हैं तो कॉलेज के पास डांसिंग सोसाइटी है, तो उस तरह का एक्सपोजर आपको मिलता है या नहीं मिलता है। तो ऑब्वियसली यार यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपोजर है, जो यहाँ का फेस्ट होता है उसको बोलते हैं मल्हार, और इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग जो मल्हार होता है उसका बजट होता है अराउंड 30 लाख, और ये काफ़ी अच्छा बजट है कॉलेज के लिए मुझे ऐसा लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक जागृति प्रोग्राम होता है जिसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ आपको सिखाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर सोशल इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम होता है, यानी कि एक NGO की तरह है, जिसके अंदर ये सिखाया जाता है कि जो आपकी एजुकेशन है वो सोसाइटी के साथ किस तरह से रेलेवेंट है। सो काफ़ी सही चीज़ें हैं ये। इसके अलावा यहाँ पर एक लाइफ लर्निंग प्रोग्राम है जिसके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, पब्लिक स्पीकिंग है, सेल्फ डिफेंस है, फोटोग्राफी है, कैलीग्राफी है, सो क्रिएटिविटी पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो एक्सपोजर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर आपको सेंट जेवियर्स मुंबई के अंदर मिलता है। अब हम बात करते हैं नोटेबल एलुमनाई कौन कौन है इस कॉलेज के, तो काफ़ी ज़्यादा एलुमनाइज है, लेकिन मैंने कुछ एलुमनाइज यहाँ पर रखे हैं। यहाँ पर आपको विद्या बालन का नाम देखने को मिलेगा, इसके अलावा आदित्य रॉय कपूर हैं वो भी यहीं से है, शबाना आजमी है, राजदीप सरदेसाई है, मुकेश अंबानी है, आदित्य राज ठाकरे हैं, अनिल कपूर है। और जब मैं सर्च कर रहा था गूगल पर एजुकेशन ऑफ अनिल कपूर, तो कुछ इस तरह की वीडियो मेरे सामने आई। Yes, I have done till inter arts from St. Xavier's College. So, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मुझे देखने को मिली। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यार यहाँ पर कौन कौन सी मूवी शूट हुई है, सो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी मूवी शूट हुई है, तो
जो कुछ कुछ होता है वो सेंट जेवियर मुंबई के अंदर शूट हुई है, मुन्ना भाई MBBS भी सेंट जेवियर के अंदर शूट हुई है, मैं हूना जो है वो भी सेंट जेवियर के अंदर शूट हुई है, जाने तू या जाने ना है, हिचकी है, इसके अलावा जो रॉकस्टार के कुछ सीन्स है जब वो कॉन्सर्ट में होता है तो वो भी पीछे जो आपको बिल्डिंग देखने को मिलती है वो सेंट जेवियर्स की ही बिल्डिंग है। सो कुछ इस तरह की यहाँ पर मूवी शूट हुई है। सो आई होप आपको एक ओवरऑल रिव्यू मिला होगा सेंट जेवियर्स मुंबई के बारे में। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप BMS करना चाहते हैं सेंट जेवियर मुंबई से या फिर किसी भी कॉलेज से, सो हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं BBA, BMS एंड IPM के लिए। अगर आप ट्राई कर रहे हैं शहीद सुखदेव कॉलेज में, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, नारसे मुंजे में, सेंट जेवियर के अंदर, IPM में ट्राई कर रहे हैं, IIM इंदौर के अंदर, IIM रोहतक के अंदर, सो उसके लिए हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं जिसके अंदर आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्लस आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, प्लस आपके फुल मॉक टेस्ट होंगे, आपको हर रोज GK अपडेट दिया जाएगा और जो भी मैकेनिज्म होगा ये सारा हमारी एंड्रॉयड ऐप पर होगा। सो अगर आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है, आप वहां पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको डेमो वीडियोस दे देंगे और जो फैकल्टी आपको पढ़ाएगी वो नो डाउट यार बहुत हाईली क्वालिफाइड और प्रोफेशनल फैकल्टी है। सो आप लोग अगर ये कोर्सेज करना चाहते हैं तो हम लोग आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम लोग आपको डेमो वीडियोस सेंड कर देंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, काफी कुछ जानने को भी मिला होगा। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और बहुत शुक्रिया।